अली भाई हैं लाहौर से, पाकिस्तान से, और जनाब जो पीछे बैठे हैं, आप कहाँ से हैं? वसीम मुंबई से। बाइकिंग का एक अलग ही मजा आज करने जा रहे हैं, ह्यूस्टन देखने जा रहे हैं। और इसके साथ में ये है एक बाइक ट्रेल, पूरा भर गया टायर। घूमते घामते पहुंच गए यूनिवर्सिटी में, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी। ये है नेबरहुड, वो नेबरहुड यानी वो मोहल्ला जहाँ पर रहती हैं मेरी होस्ट। और आज मैं निकल गया हूँ, 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो मैं निकल गया हूँ बाहर। मेरी होस्ट हैं घर में, उनके बेटे का है जन्मदिन, वो जा रही हैं अपने बेटे के पास। उनके जो सुपुत्र हैं, जो बेटे हैं, वो रहते हैं अपने पापा के पास में, पापा के पास में नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन इस वक्त अपने पापा के पास में। और इनकी बेटी भी हैं, तो कभी कभी मिलते हैं ये लोग। ये ऐसा कल्चर है इनका, इस पर कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस देश का और बहुत सारे देशों में और बहुत सारी जगहों पर रहने का लोगों का तरीका है। खैर, उनसे बाहर आते हैं, मैं जा रहा हूँ आज दो खास लोगों से मिलने के लिए। कल मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि मैं ह्यूस्टन में हूँ, उन्होंने कहा अरे आप यहाँ पर आ गए हो तो मिलना है आपसे। मैंने कहा ज़रूर मिलते हैं, मज़ा आएगा। तो बस आज तो उनके मैसेजेस आने शुरू हुए, तो उनसे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। फिर एक दूसरे भाई साहब ने भी मैसेज किया, मैंने कहा मिलते हैं ना कल, मतलब मैं मिल रहा हूँ। सिर्फ उनका नाम उनके नाम जानता हूँ मैं, एक हैं अली और एक हैं वसीम। सो यहीं पास में ही मिलने के लिए आ रहे हैं वो, फिर देखते हैं उनका उनके पास में क्या प्लान है मेरे लिए आज का। Let's see. भाई तो भाई, मैं अपनी ये जो जैकेट है इसको उतारने जा रहा हूँ अब। मुझे सच में मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने जानबूझकर यूएसए का साउथ वाला एरिया चुना था, जिसमें लुइजियाना, टेक्सास, एरिजोना, न्यू मेक्सिको, ये सब जगह हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है। लेकिन अंदाज़ा ये कतई नहीं था कि जनवरी फरवरी जैसे, दिसंबर जैसे माहौल में यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होगी। इसको भी उतारना पड़ेगा, सिर्फ एक टी शर्ट पहनूंगा अब मैं, टी शर्ट में मुझे आना पड़ेगा। जबकि लुइजियाना में -1 -2 तक जा रहा था, यहाँ तो 17 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो जनवरी फरवरी वाला जो सर्दी में भी टेक्सास का ये वाला जो हिस्सा है ह्यूस्टन में, मौसम कुछ ऐसा होता है। वेयर एज न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, शिकागो, ये सारे के सारे ऐसे होते हैं बर्फ़ में जम रहे होते हैं बुरी तरीके से। वो जो ऐतिहासिक फिल्म है ना रंग दे बसंती का, एक सीन था जिसमें आमिर खान और उसके दोस्त कहीं इंतज़ार कर रहे थे और बाकी सब लोग कहीं और इंतज़ार कर रहे थे। मेरे साथ वही हुआ, मैं वहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा था और ये जो दोनों लोग हैं वो यहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर हैं। हाय, कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप? बस बहुत बढ़िया। नाम? वसीम। क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ अभी, आप अली हैं? क्योंकि आप वसीम हैं तो आप अली होंगे ज़रूर। पहली बार मिल रहा हूँ, बस इतना पता था कि मैं एक अली हैं और एक वसीम हैं, दोनों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर मीटिंग अस। अरे तो क्या प्लान है आज का? हम लोग यहाँ से लंच करने जा सकते हैं। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, लंच, भूख लगी है क्या आपको? तो कोई नहीं लगी, आप बताएं आपका क्या प्लान है? आपका क्या? पहले तो ये उतार रहा है, मेरे को यहाँ गर्मी है। वेदर काफी फ्लक्चुएट है। या तो उसको मैं ज़रा, आपकी कार गाड़ी ये है? ओके ओके, फिलहाल ज़रा कार में सवार हो रहे हैं। और कुछ ख़ास बात बतानी है आपको, अभी मुझे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी, फिलहाल सीट बेल्ट लगाई जाए। अच्छा, खास मतलब क्या है एरिया की खासियत यहाँ? There is a waterwall, very famous attraction here. अच्छा नहीं, आपने बताया था कि हम कार में बैठ जाएं, बाहर ना खड़े हैं, कुछ सेफ्टी वाला इशू? थोड़ा सा वो एरिया है ना दूसरा है, तो अच्छा सेफ नहीं है। Okay. यहाँ पे if you are roaming around in this area, it's not that safe. But हम लोग कार में बैठ सकते हैं, then it is safe. Yeah, you don't want to be, seen by. Seriously, ऐसा है? Let me tell you on the record in the in this video कि यहाँ पे Houston जो है homicide में top कर गया पूरे US में last year. It could be due to pandemic, but यहाँ पे काफी चीजें हैं वैसी तो. बड़ा strange है ये. अच्छा ये वाली बात मेरी जो host हैं उन्होंने भी कही थी कि आप जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा wait मत करना, phone करके जाना. Yes.
और मैंने कहा ठीक है मतलब, बट मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा. और अभी आपने भी इसको कहा तो ये बड़ी हैरानी है मुझे कि यहाँ आप कार के बाहर खड़े होके बात नहीं कर सकते जैसे हम यूजुअली करते हैं. तो दिस इज रियली कर सकते हैं बट इट्स नॉट सेफ. इट डिपेंड्स ऑन द एरिया कि आप किस एरिया में हैं. तो ये जो एरिया है डाउनटाउन के है तो पास, बट यहाँ पे उतना सेफ नहीं है. क्राइम रेट काफी हाई है इस पार्टिकुलर एरिया में. चलो खैर ये भी हकीकत है इस इलाके की, मगर ये सिर्फ एक इलाका स्पेसिफिक है, ये जरूरी नहीं कि पूरा अमेरिका पूरे ह्यूस्टन को लेकर हो, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक है खैर, आप अब आप कमान संभालिए, जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम चलेंगे. बाय द वे मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ क्योंकि मेरा परिचय हो गया है. अली भाई हैं लाहौर से, पाकिस्तान से, और जनाब जो पीछे बैठे हुए हैं आप कहाँ से हैं? वसीम मुंबई से. आप हैं मुंबई से. मुलाकात कैसे हुई थी ये मैंने बता ही दिया था अभी आपका इंट्रोडक्शन. गायबाना इंट्रोडक्शन हो चुका है. हाँ जी थोड़ा थोड़ा सा हो गया है कि हम लोग मिल कैसे रहे हैं. आपका कहना ये है कि यहाँ पर जो सेल पर चीज होती है वो यहाँ मिल जाती है. ब्रांडेड. ओके. पेंडेमिक का टाइम है ना, थोड़ा सा ये जो मल्टीपर्पज चीज है इसका लगाना बड़ा जरूरी है. ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो रहा है. यस इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और चढ़ा लूँ ना ऐसे आँख और कवर कर लूँ तो अभी मैं जो शॉपिंग करने जा रहा हूँ पैसे खर्च करने पड़ेंगे. इसको थोड़ा और ऊपर चढ़ा के बिना पैसे खर्च किए सामान ला सकता हूँ मैं. बस एक ये चीज़ होनी चाहिए. भटक रहे हैं. वॉलमार्ट गए थे उससे पहले कहीं और गए थे, टारगेट आ गए हैं. ऐसे ही भटक रहे हैं. क्या नाम है इस एरिया का? गैलेरिया. ओके. इट्स अ फेमस वाटरवॉल. ओह ये सामने. वाह ये तो बहुत अच्छा है. इसमें तो खैर कैप्चर नहीं होगा तो पास नहीं जाएंगे, लेकिन हम जा ही रहे हैं. लेकिन वाकई बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में. हमारा कुछ खुराफात दिमाग में आ रही हैं इसको देखकर क्योंकि गोप्रो है, ये है वाटर प्रूफ. थोड़ा सा तो डाउन टेस्ट है वही मैं सोच रहा हूँ करना चाहिए या नहीं. वैसे आज क्या डेट है? 24 है ना, 31 तक तो वापस कर सकता हूँ इसको मैं. अच्छा थोड़ी देर के लिए पार्क करना है इसलिए ये मॉल है यहाँ पे कर लें फिर. हाँ यहाँ पे कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ पे फ्री है ना. ये पूरा फ्री में है. वो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग काफी, ये सबसे बड़ा, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल इन हिस्ट्री. अच्छा और काफी मतलब हाई एंड सारे स्टोर्स हैं यहाँ, हाई एंड स्टोर्स हैं यहाँ. अच्छा इस तरह के मॉल्स में जैसे हमारे यहाँ बिग बाजार टाइप मिल जाते हैं, यहाँ वॉलमार्ट टारगेट वगैरह नहीं होंगे क्या? छोटे मोटे भी इनका कुछ? ये स्पेसिफिकली सारे स्टोर्स हैं मतलब. अच्छा यहाँ पे. अच्छा जैसे कि वॉलमार्ट वो वैसे यहाँ निकला है बंदा इसके सामने हमें मिल गई जगह. अच्छी परफेक्ट. अच्छी इनफैक्ट आज हम लोग लकी है, पता नहीं मैं तो आफ्टर कोविड. अच्छा बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू फाइंड दिस पार्किंग स्पॉट यहाँ उस मॉल में जस्ट बिकॉज़ इट इज फ्री. It's free ना, it's इतने लोग आते हैं यहाँ पे. शॉपिंग वगैरह कोविड की वजह से भी वसीम थोड़ा सा हुआ है. ठीक है चला जाए. मास्क अपने पकड़ लो भाई. अच्छा कंबल को छोड़ दूँ? अच्छा आप वहाँ से निकल रहे हैं? ठीक है. हाँ मैंने कोशिश तो की थी, यहाँ से खोला भी था वो अभी तक फंसे हुए हैं. मैंने खोला था यहाँ से. उधर है चाइल्ड लॉक लगा हुआ है गाड़ी में तो भाई साहब को बाहर से ऐसे खोल के निकालना पड़ता है. पिछले वाले ट्रिप में मैं वैसे मैं आपको ही बता रहा हूँ, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ऐसे ही जैसे अभी हम मिले हैं, पिछली बार मिले थे ऋषभ भाई, वो हैं आपको अमेरिकन सिटीज़न है बट उनका कनेक्शन है बांग्लादेश से.
और बड़ा अच्छा लगा. हम लोग काफ़ी घूमे, रिचमंड घूम के आए थे हम लोग. वो रहते थे वो वर्जीनिया की कैपिटल है ना रिचमंड शहर जी, वर्जीनिया. या सो तो पता नहीं कहाँ रहा, मैं भूल गया हूँ अभी. तो खैर उनके साथ घूमा था. इस बार मैं आपके साथ नहीं घूम रहा हूँ. जनाब पाकिस्तान से हैं, लाहौर से, और ये भाई साहब हैं कल्याण से, मुंबई से, इंडिया से. तो पता नहीं क्यों ये विदेश में निकल कर ही हमें मौके मिलते हैं जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ डिफरेंस रह ही नहीं जाता है. हम लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे ऐसे कॉलेज मेट्स हैं हम लोग. और बहुत ही प्यारा है वो सामने. क्या नाम बताया आपने इसका? वाटरफॉल. बस वाटरफॉल बोलते हैं. वाटरवॉल. वाटरवॉल. ओके. ये हमारी भी तस्वीर ले लें, आपकी भी ले लें. उबर लेनी थी मेरे को अपने होस्ट की जगह तक जाने के लिए. मैंने कहा लकॉम्बे ओ लकॉम्ब, यहाँ कही ऐसी लकॉम्ब. मुझे पता नहीं था मैं लकॉम्बे नहीं है, वो लकॉम्ब है. मतलब ऐसी वहाँ पे जे लिखा होगा और उसका स्पेलिंग. Okay, let me tell you a very good story. Okay, what happened when I came here? I started working for Chase Bank. अच्छा Chase Bank. हाँ. यहाँ पे जो जे है स्पेनिश में वो हे है. हाँ. अब मेरा एक था कोलीग साथ मेरे काम करता था, तो उसने जब उसको मैंने नाम देखा, मैं मेरा दूसरा दिन था इधर, पहला दिन था जॉब पे, तो और बिल्कुल पहला दूसरा वीक था इधर आए हुए यूएस में जी. तो मुझे उससे कुछ चीज लेनी थी. मैंने उसको, उसका जो सही नाम था वो हुआन था, मैंने उसको जुआन बोल दिया. ही लुक्ड एट मी, ही इज लाइक एक्सक्यूज मी, माय नेम इज हुआन, नॉट जुआन. लाइक आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट नो द स्पेनिश. बट तो इस तरह के वाकया जैसे हेलापिनोज है. हाँ, हमारे जलापिनोज बोल देते हैं. तो ये थोड़ा अच्छा, सा काफी टाइम तक तो मैं तो येलापिनोज बोलता हूँ. इट्स नॉट येलापिनोज, हेलापिनोज. अब मेरे साथ में मैं डोमिनिकन रिपब्लिक में जूस की दुकान, सॉरी ब्रेकफास्ट में स्नैक्स वगैरह की दुकान थी कॉर्नर पर जैसे होती है ना, मुंबई में टपरी बोलते हैं उसको. या सो मैं गया, मैंने कहा वन कुछ तो फ्रूट था, मैंने कहा जूगो. In Spanish, it's not jugo, it's hugo. Hugo. J to likha hua hai isme, jugo hi hua hai. Like a word, there's a word, a very common name in Spanish community, Hispanic community. It's J-O-R-G-E. That's, if you spell in English, that's George. Huh. Okay. But that's Jorge. Oh my God, okay. Jorge. Yeah. तो उन लोगों का नाम इतना बुचर होता है इधर कि भाई वो लोग अपने आप को जॉर्जी कहते हैं. वो जॉब पे जब जाते हैं वो बोलते हैं हमें जॉर्जी बुलाओ. Because उसका जो सही है वो Jorge है. और स्पेनिश में एक और है डबल एल. अरे भाई साहब, टॉर्टिया. राइट. हाँ, टॉर्टिला. मैं अपनी टिकट बुक कर रहा था अमेरिकन एयरलाइंस. मैं वहाँ सर्बिया में बैठा हुआ हूँ और मैंने अमेरिकन एयरलाइंस से कॉल किया. यहाँ कस्टमर केयर वो अमेरिकन थी. मैंने कहा पुंटा चाना. What? C-A-N-A. क्योंकि वहाँ पर वो अगर कुछ नहीं लगा दैट इज प्रोनाउंस एज च. Sorry, it's not Punta Chana. It's yeah, you mean Punta Khana. मैंने कहा हाँ यार, sorry, Punta Khana. Yes. तो हम अभी कहाँ, उसका क्या नाम है, Hillcroft आगे ना. Hillcroft. महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट. अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन पे, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, वहाँ पे एक बोर्ड है, वहाँ पे महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा. यहाँ पे जो इंडियन के ज्वेलरी है राइट, फिर वो जो विराट का कौन सा वो का ब्रांड एम्बेसडर है वो. अच्छा हाँ, कौन से कुर्ता पजामा यार वो बनाते हैं भाई साहब. मान्यवर उसका भी स्टोर है यहाँ पे. अरे अच्छा अच्छा, पतंजलि. अरे पतंजलि बाबा जी यहाँ पर बीज बेच रहे हैं अपना. क्या
क्या कहा कुछ लेंगे आप? हाँ वही, मतलब बाबा जी की भी चीजें यहाँ बिक रही हैं। मुझे तो इनका खाना चाहिए। चलिए सर आप चलिए, पहले आप चलिए, मैं पकड़ूंगा आपके लिए दरवाजा आपकी बात। ये तो मुंबई का वड़ा पाव। कहाँ है वड़ा पाव? अच्छा हाँ वड़ा पाव आ गया। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओ सॉरी उठाना भूल गया मैं इसको। थैंक्स। सो दिस इज द प्लेन डोसा। यस द प्लेन डोसा। क्या था वो कटोरी टोकरी टोकरी चाट टोकरी चाट कटोरी चाट बोल रहा था उसको। टोकरी चाट डोसा और कुछ खाया था हम लोगों ने। ये सब खान पान करने के बाद में खान तो वहाँ कर लिया, पान यहाँ करेंगे। यहाँ बेसिकली कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं जनाब। मैंने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ आज, काफ़ी सारा मसाला कई दिनों बाद खाया तो मैं हो जाऊँगा एसिडिक, मतलब एसिडिटी मुझे, मैं एसिडिक नहीं हो जाऊँगा, एसिडिटी मुझे हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग खाओ। लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कुंभकोणम डिग्री कॉफ़ी, मद्रास कॉफ़ी, मैसूर कॉफ़ी, आईआईटी 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 ये गजब है। बाकी तो मसाला चाय, रेगुलर चाय या आइस कॉफी। साढ़े छः हो रहे हैं और हाँ साढ़े छः हो रहे हैं, बस दिन ख़त्म हो गया है और सबको अपने अपने घर जाना है। हम तो वेले हैं, हम तो कभी भी चले जाएंगे। बल्कि मुझे कुछ देर अभी यहाँ एक कैफ़े है, यहाँ पर कुछ देर बैठूँगा, अगोरा नाम का कैफ़े है। और आप लोग कितना कितना दूर जाएंगे? आप भी उतना बहुत ज़्यादा, मतलब आज हम लोग कैसे, जैसे मैं वही कह रहा था कि जैसे हम लोग कॉलेज के दोस्त नहीं होते हैं, कॉलेज ख़त्म हुआ और बाहर आके या फिर जैसे किसी रेस्टोरेंट, हम लोग रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने के बाद करीब एक डेढ़ घंटा हम लोग खड़े खड़े बात करते रहे, पता भी नहीं चला। बहुत सारी चीज़ों पर ऐसे ही गप्पे मारते रहे, अच्छा लगा। आपको कुछ कहना? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। आपको कुछ कहना? तो बहुत अच्छा लगा भाई आज आपसे मिल के, आपको वीडियोज़ में देखते थे तो समझ लो कि आज रियलिटी में आपसे मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे स्टिल यूट्यूब की वीडियो ही देख रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आपसे मिल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, और ऐसा ये लग रहा है कि फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ आपसे, अच्छा मैं जानता नहीं हूँ वरुण को, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। मैं फर्स्ट टाइम, मैं ऐसा किसी और से मतलब ज़्यादा इतना बात नहीं किया जिससे मैं फर्स्ट टाइम इतनी सारी बात की। वैसे ये तो है कि आज मैंने अभी बोला ही, जैसे हम लोग कॉलेज के दोस्त हैं, हम लोगों ने ऐसे गप्पे मारे हैं और जैसे हम लोगों ने बातें ही बहुत सारी, जैसे हम लोग लाहौर की खूब सारी बातें की हैं, हम लोगों ने हमने पता नहीं कितनी पॉलिटिक्स पर बातें की हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, मगर मज़ेदार कॉन्वर्सेशन हुए और ऐसे कॉन्वर्सेशन के मतलब जुड़ गए हैं, बस ऐसे ही जुड़ते रहे दिल, और ऐसे ही हम लोग यहाँ आके पता नहीं चल रहा है कोई कहाँ से है। मैंने कहा ना हम कॉलेज के हैं, कॉलेज मतलब वो दोस्त जो स्टडी बडीज़ नहीं, मतलब भाई वगैरह से भी बहुत सारे रिश्तों से कहीं ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, वैसा वाला आज फील हुआ। जबकि अपने अपने देशों में, अपने अपने घरों में तो वहाँ पर हिसाब किताब कैसा है हमें पता है, लेकिन यहाँ बॉर्डर्स बिल्कुल मायने नहीं रख रहे हैं। काश सब कुछ ऐसा ही हो और हम लोग इसी तरीके से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतनी दूर से आए। अभी बस मैं कैमरा पर आपको थैंक यू कहता हूँ, हालाँकि गप्पे हम लोग और मारने वाले हैं कुछ देर और, बट थैंक यू।